हंगामा है, चर्चाएं हैं और चर्चा हरियाणा विधानसभा में भी हुई। मुख्यमंत्री भी बीच में बोले, स्पीकर और अभय चौटाला की तकरार फिर से हुई और भी बहुत कुछ। सोमवार को सदन में हुआ, खूब हंगामा हुआ, सवाल जवाब हुए, बहस हुई और इस दौरान बहुत सी तस्वीरें सामने आई जो चर्चा का विषय बनी। ये रिपोर्ट देखिए। किसको तकलीफ हो रही है? आपको नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ आपको होती है, मेरे को नहीं तकलीफ है। मैं तो मंत्री से पूछ रहा हूँ जवाब। जो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर सप्लीमेंट्री पूछिए, कोई इधर उधर के नहीं। तो सप्लीमेंट्री में लिखा होगा तालाब बड़ा या और कहीं लिखा है? पढ़ दो इसका चित्र है। मैंने पढ़ लिया। आप क्या पढ़ लिया? सप्लीमेंट्री पूछिए आप। हाँ तो पूछ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। सप्लीमेंट्री पूछिए। डार्क जोन की कहानी शुरू हो जाएगी। डार्क जोन के बारे में सप्लीमेंट्री पूछिए। सप्लीमेंट, हाँ मुझे ये बता दो कि सप्लीमेंट्री में क्या क्या पूछ सकता हूँ। पढ़ सप्लीमेंट्री में जो डार्क जोन के बारे में आपने पूछा, डार्क जोन के लिए जो खुदाई के बारे में सप्लीमेंट्री पूछिए। वो डार्क जोन के लिए जोड़ की खुदाई करी है कि नहीं करी है, ये लिखा है कि नहीं लिखा है इसमें जवाब में? पढ़े आपने? मैंने पढ़े है। कहाँ पढ़े है? पढ़े होता पड़े। तो फिर तो रोड़ा ही नहीं है। नहीं नहीं पढ़े मैंने। आप मैं कोई बात पूछने के लिए खड़े आ जाऊं? डार्क जोन आपके को... पता नहीं क्या नीचे से तकलीफ होती है एकदम से। देखिए कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। मंत्री जवाब देंगे कि आप दोगे? आप देखिए मंत्री जी, भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए। एक बात सुनिए अभय जी, आप भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए। गलत भाषा जो है वो ठीक नहीं है। कोई गलत नहीं बोला मैं। आप ये आपको तकलीफ होती है? मुझे तकलीफ कोई नहीं। मैं गलत बोलता ही? आप तकलीफ क्या होता है? आप तकलीफ क्या होती है? मेरे खड़े होते हैं आपको तकलीफ हो जाती है। तकलीफ आपको होती है? सारे प्रदेश में आपकी तू-तू होती है, फिर भी आप पंगा ले बिना नहीं रहते। कोई सदस्य चेयर के साथ इतनी बहस करे, ये कम से कम मैं मानता हूँ पूरे सदन का ही एक प्रकार से उसकी अवमानना मानी जानी चाहिए। ये बहस का विषय कभी नहीं होना चाहिए। सदन की बात का एक मर्यादा पूर्वक पालन करना चाहिए। ये जो बहस का विषय है कभी नहीं करना चाहिए। अगर इसके बाद आगे होता तो इसका संज्ञान लेना चाहिए। सवाल का तो मैं जरूर जवाब बाद में दूंगा, मगर एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने जो बिहेवियर आज किया या पिछले रिसेस से पहले की, एक मिनट एक मिनट, अबे जी और आपको मैंने नेम किया, आप बात चली जाइए। नहीं आफ्ताब जी, एक लिमिट किसी चीज की है जी। इसी सदन में जूता निकाल के आते हैं। जिस प्रकार से आपका व्यवहार है, आपके व्यवहार को लेकर के ये बताने की जरूरत नहीं। मुझे जो आपका व्यवहार है उसके कारण मैं आपको नेम कर रहा हूँ। जो आप ये पांच बार जो एलिगेशन लगा रहे हैं बार बार के तकलीफ होती है, निष्पक्ष नहीं है भाषा का उपयोग। आप मैंने आपको नेम किया, कोई जरूरत नहीं है बताने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप बाहर चलिए। हाँ मैंने कहा कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है। आप मैंने आपको नेम किया है, आज शाम तक आज के दिन के लिए आपको नेम किया जाता है। ऐसा भी विषय आ रहा था बरसात की वजह से मेरे अम्बाड़ा के अंदर भी जो है काफ़ी नुकसान जो है फसलों का हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि स्पेशल गिरदावरी के नाते प्रोविज़न करवाया जाए। और सर वैसे ये विषय NH के अंडर आता है, लेकिन जो NH का स्ट्रेच जो हरियाणा के अंदर से गुजरता है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, आज एक्सीडेंट्स बहुत होने लग रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो है जो ट्रक्स हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं, वो जितनी लेन होती है रोड के ऊपर उतनी लेन्स के अंदर वो चलते हैं, आपस में रेस लगाते हैं, साइड नहीं देते। किसी जो कार वाला या कोई और मध्यम जो व्हीकल है उसको साइड नहीं देते। सर मेरा निवेदन है कि कम से कम हरियाणा के अंदर तो हम इसको सख्ती से लागू कर सकते हैं, ताकि जो है ये सफर जानलेवा ना हो। कैग की रिपोर्ट जो है स्टेट फाइनेंसेस की 2021 में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारे ऑफ बजट बोरोइंग करी थी। अब जो है माननीय सदन को, जब आप इस तरह की ऑफ बोरोइंग करते हैं तो सदन को उसके अंदर विश्वास में लेना चाहिए। हमारे को तो मालूम ही नहीं है, ये जो है आपकी किताबों के अंदर है लेकिन उसको दर्शाया नहीं गया है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को देखते हुए मुख्यमंत्री जी की माइक्रो इरिगेशन पॉलिसी अच्छी है। मैं उनकी सोच को समझता हूँ और सराहता भी हूँ कि मैं खुद एक ऐसी विचारधारा से संबंध रखता हूँ, एक ऐसे समाज से संबंध रखता हूँ जो पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देता है। ठीक है, इस वर्ल्ड पे ये आप डिसाइड करेंगे। निकम्मे का मतलब क्या है? ये उपाध्यक्ष काम का नहीं है, वही तो निकम्मा है। काम का है ही नहीं तो निकम्मा। अनपार्लियामेंट्री वर्ड कहां से आ गया? गीता जी, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 10 साल के बाद गुड़गांव सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी पूरे नॉर्थ इंडिया में। ये इस तरीके के आंकड़े कह के आउट का समय पर बात करना कोई मतलब क्यों? आप क्रिटिसाइज करें,
आप क्रिटिसाइज करें पर ये नहीं अल्लाह मचा दो यार, कोई तरीका नहीं है, हम भी खड़े हो जाएंगे। अच्छा नहीं, एक आदमी बोले हम सुनते हैं, बुढ़ा साहब बोलते हैं, हम कभी दखल नहीं देते। और ये बात 10 बार निकम्मी सरकार, कोई तरीका थोड़ी है, तरीके से बात करो, हम भी मर्यादा में रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। बीजेपी के साथी ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा बजट है, सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छा नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन हमारे क्षेत्रों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जहां से कांग्रेस के विधायक हैं, मैं विशेष तौर से कहना चाहती हूं, झज्जर से हम 4 के 4 कांग्रेस के विधायक आते हैं, हमारे क्षेत्रों के साथ पूरी तरह से भेदभाव शुरू से लेकर आखिर तक और इस बजट में भी किया गया है। मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी कि क्या जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करते हैं, बीजेपी के लोग तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, पूरी हो रही है हमारी, जेजेपी के लोग भिड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस पर भी पूरी तरह से विचार किया जाए कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को कम से कम बजट में उसमें स्थान पूरा मिलना चाहिए। बजट के ऊपर जब बोलता हूं तो इस बात के लिए कहते हुए कि इसमें कहा गया है कि बहुत प्रगतिशील है। सर, जिस राज्य का बजट का जो डेट पार्ट है, जो कर्जा लेने का है, 2014-15 में जिस प्रदेश में 70,931 करोड़ रुपए का कर्जा हो, और 2023-24 में जो आज यहां आंकड़े दिखाए गए हैं, 2,85,885 करोड़ रुपए का कर्जा है, 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ गया। भी कुछ नाराजगी हो रही थी, मैं कहना चाहता हूं ये यहां जो बोलते हैं उसको सत्य मत मानना करो, ये सारा हरियाणा जान चुका है, ये तो कंफर्म हो चुका है, सदन में जो बातें बोली जाती है वो टोटली। और मैं तो हैरान हूं, ये बुकलेट छापी हुई है 2014 के अंदर, जब भाजपा सत्ता में आई तो उस टाइम पे 70,931 खुद छाप रही है अपने पंपलेट में, कर्ज था इस हरियाणा प्रदेश पर। और आज 2022-23-24 में 2,85,885, ये मुझे इस बात की हैरानी, ये अमाउंट कहां से लिखा? मैं आज अभी देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जो डेट है हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर, वो 3,24,448 है।